बिजली विभाग की लापरवाही का कब तक खामियाजा भुगतेंगे मासूम? नंगी तार की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। रोते बिलखते इस गरीब परिवार की सुध अब कौन लेगा, क्योंकि इस परिवार का एकमात्र कमाने वाला शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। तार गिर गया, कहाँ पे? नहीं बिजली तार पसंदले, तार पसंदले, ऊपर में तार नहीं पहुँचे सके बच्चे। ये चतरा वाला काम कर रहे हैं, तार चले बलग बलग, नहीं बरका गोए कारा पर हजार बलग बच्चे। हाँ, वहाँ गिर गया, ऊपर में गया, चतरा बन गया, चतरा गिर गया, मजदूरी कर रहे हैं। कुल 6 सदस्यों वाले परिवार की रोजी रोटी का एक ही सहारा था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी और बिजली विभाग की लापरवाही से अब 40 साल के शिव शंकर की मौत हो चुकी है। दरअसल पूरा मामला हमजापुर का है, जहां शिव शंकर पासवान एक दुकान बनाने का काम कर रहे थे और इस दौरान वो दुकान की चदरे पर चढ़े तो वहां से गुजरी नंगी तारों के चपेट में आ गए। इन तारों को बिजली विभाग द्वारा व्यवस्थित नहीं किया गया था, जिसका खामियाजा शिव शंकर को भुगतना पड़ा। उधर हादसे के बाद आनन फानन में शिव शंकर को परिजन मुंगेर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अगर समय रहते ही बिजली विभाग ने नंगी तारों को दुरुस्त किया होता तो न ये बच्चे अपने पिता को खोते और न ही पत्नी अपने पति को। अब बिजली विभाग ही बताए 6 सदस्यों वाले इस परिवार की सुध कौन लेगा। मुंगेर से अभिषेक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।